चलो ध्यान देना बेटा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मिरर फॉर्मूला के कंसेप्ट से। उसके बाद साइन कन्वेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ मिरर फॉर्मूला फिर से बताऊंगी। प्लीज बेटा ध्यान दो, सभी लोग कैमरास ऑन करो अपने, ठीक है? तो साइन कन्वेंशन हम लोग पढ़ेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ मिरर फॉर्मूला। पोस्ट दैट, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन मिरर फॉर्मूला, ठीक है? अब ध्यान से देखो मिरर फॉर्मूला क्या होता है। जब हम लोग मिरर फॉर्मूला की बात करते हैं यहाँ से मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रहा तो आ गया था ना बेटा, जगह तो बहुत है। पढ़ना। जब हम लोग मिरर फॉर्मूला की बात करते हैं तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, वन अपॉन एफ इज इक्वल्स टू वन बाय वी प्लस वन अपॉन में यू, वेर एफ इज व्हाट, एफ इज फोकल लेंथ, वी इज व्हाट, इमेज डिस्टेंस, और यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है? इसी के साथ हम लोग एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जो इमेज बनी है वो ऑब्जेक्ट के कितने टाइम्स बनी। जो इमेज है इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है? यानी कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको शो कैसे करते हैं, एच आई अपॉन में एच ओ, वेर एच आई इज साइज ऑफ इमेज एंड एच ओ इज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, पोल बोले तो। और इसे हम लोग बोलते हैं लेट से फोकस, और इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट केस था, जब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पे था, जब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी तब रेज यहां से आ रही थी, मतलब ऑब्जेक्ट पोल की लेफ्ट साइड पे था, और क्योंकि ऑब्जेक्ट पोल के लेफ्ट साइड पर था तो क्या जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो यू हम लोग नेगेटिव लेंगे क्या? हाँ, क्योंकि वो पोल के लेफ्ट साइड पर, जाहिर सी बात है, ठीक है? जब बोल बोल बोल, बाद में खेलेंगे। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा था यहाँ पर, याद है क्या? जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा था तब भी हम लोग जब पोल से मेजर करेंगे तो हम लोग पोल के लेफ्ट साइड पे जाएंगे, हाँ या नहीं? यानी कि अभी भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंगे, नेगेटिव। जब ऑब्जेक्ट को एट सी रखेंगे, जब ऑब्जेक्ट को एट सी रखेंगे तो एट सी पे भी क्या हम लोग पोल के लेफ्ट साइड पर ही मूव कर रहे हैं, हाँ कि नहीं? जब ऑब्जेक्ट को एट सी रख रहे हैं तब भी क्या हम लोग पोल के लेफ्ट साइड पर ही मूव कर रहे हैं? तो जब ऑब्जेक्ट एट सी रहेगा तो भी यू की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे तो भी क्या वो पोल के लेफ्ट साइड पर ही है? जब सी एंड एफ पे रखेंगे तो क्या वो पोल के लेफ्ट साइड पर है, इधर जब ऑब्जेक्ट रखा है, हाँ ना? क्यों, कहाँ है, इधर से इधर जाएंगे नहीं डिस्टेंस में जो करने, तो ये वंश बोल रहा है कि आप पागल हो गए हो क्या? जब एफ पे रखेंगे तो भी तो नेगेटिव आएगा, जब एफ और पी पे रखेंगे तो भी नेगेटिव आएगा। सब में तो पोल से लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं हर केस में, देखो एक दो तीन चार पांच छ, क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगा? हाँ, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लोग हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड पे ही रखेंगे। मिरर के, अरे मिरर के पीछे जाके खड़े होगे तो इमेज बनेगी क्या? ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस पे अपन खेलते हैं, इमेज डिस्टेंस पे अपन अभी खेलेंगे। क्या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की कंसेप्ट का वो ठीक है क्या, कंसेप्ट क्लियर है क्या सबको? ओ देखो, मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या मैंने ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है? हाँ,
यानी कि जब ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी रखेंगे तो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे, यानी कि एच ओ पॉजिटिव रहेगा। जब बियॉन्ड सी रखा है तो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है, तो ये भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। जब एट सी था तो भी पॉजिटिव, जब सी एन एफ के बीच में था तो भी पॉजिटिव, जब एट एफ था तो भी पॉजिटिव, और जब पी एन एफ था तो भी। सारे केसेस में क्या ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखे हुए हैं, तो क्या एच ओ हमेशा पॉजिटिव रहेगा? जवाब है क्या? हाँ। क्या यू हमेशा नेगेटिव रहेगा? जवाब है क्या? हाँ। क्या इतनी कहानी सबको क्लियर है? जवाब दो। बन रही थी एट फोकस। जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था तो इमेज कहाँ बन रही थी? फोकस। और अगर तुमको थोड़ा सा ध्यान हो तो इमेज कहीं यहाँ ऐसे बनी थी इसकी, याद है क्या? नहीं याद है। जिन नलायकों को याद नहीं है, उठाए हाथ नहीं उठाए, नहीं उठा हुआ है। जिन नलायकों को याद नहीं है उनको मैं इमेज फॉर्मेशन दिखा देती। देखा, जब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी था, जब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी था तो इमेज यहां बनी थी फोकस पे। इमेज कहाँ बनी थी? क्या फोकस पोल के लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में? फोकस पोल के लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में? यानी कि यहाँ पर जब इमेज लेफ्ट साइड पर बन रही है, जब इमेज लेफ्ट साइड पर बन रही है तो इसका मतलब यहाँ जो मैं वी की वैल्यू लिखूंगी, यहाँ जो मैं वी की वैल्यू लिखूंगी वो क्या लिखूंगी? नेगेटिव। हाँ कि नहीं? वी की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे? नेगेटिव। ठीक है, अब मेरा सवाल है अमल से। अमल, कैन यू हियर मी? हाँ दीदी, अमल, जब ऑब सिर्फ अमल जवाब देगा। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो इमेज कहाँ बनी थी बेटा? जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा था तब इमेज कहाँ बनी थी बेटा? चलो, तो बेटा जब हम लोगों ने देखा कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा था तो इमेज कहाँ बनी थी? बिटवीन सी एंड एफ। और बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ कहाँ था? पोल के लेफ्ट साइड पे था, और क्योंकि वो पोल के लेफ्ट साइड पे था तो इस बार भी इमेज डिस्टेंस क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। हमारा अगला सवाल है, तो जब ऑब्जेक्ट एट सी रखा था तो इमेज भी कहाँ बनी? एट सी। और ये जो एट सी था ये पोल के राइट साइड में था या लेफ्ट साइड में? क्योंकि ये इमेज पोल के लेफ्ट साइड पे थी, क्योंकि ये इमेज पोल के लेफ्ट साइड पे थी तो इस बार भी इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा। यस और नो? नेगेटिव। शांति। एग्जैक्टली। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बिटवीन सी एंड एफ वाला केस देख रहे हैं। बिटवीन सी एंड एफ रखा था जब ऑब्जेक्ट, तो ये देखो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट? यहाँ है। इमेज कहाँ बनी? यहाँ बियॉन्ड सी। ये जो बियॉन्ड सी है ये अगेन पोल के कौन से साइड पे है? लेफ्ट साइड पे। यानी कि यहाँ पर भी इमेज का डिस्टेंस क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली जब एट एफ देखेंगे तब भी इमेज डिस्टेंस क्या आएगा? नेगेटिव। देखो ना, इमेज यहाँ बन रही है जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था, तो इमेज कहाँ बन रही है? यहाँ पे बियॉन्ड सी, या इन्फिनिटी पे भी वो पोल के तो लेफ्ट साइड पे आ रही है, तो क्योंकि इन दोनों केसेस में भी पोल के लेफ्ट साइड पे आ रही है तो हम लोग इन दोनों केस में भी क्या लेंगे? वी का वैल्यू क्या लेंगे? नेगेटिव। ठीक है ना? ओके, लास्ट। हमारा जो लास्ट केस था, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी रखा था जो एग्जाम में आने वाला है, छप चुका है, ये वाला केस। यहां पर देखो, ऑब्जेक्ट हम लोगों ने कहाँ रखा था? यहाँ। दोनों यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है बेटा। मेनली इमेज को देखा जाता फिर नेताजी को दिखा दी 2 रुपए की। है। अरे मैं पूछ रही थी। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है, यहाँ रखा है एट बिटवीन एफ एंड पी। जी इमेज कहाँ बनी? बिहाइंड द मिरर। ये जो बिहाइंड द मिरर इमेज बनी इन दो केसेस में, ये जो बिहाइंड द मिरर इमेज बनी इन दो केसेस में, वो पोल के राइट साइड बनी या पोल के लेफ्ट साइड? राइट साइड। तो क्योंकि ये पोल के राइट साइड पे बनी तो क्या अब हम लोग को वी पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्या?
हाँ तो नेगेटिव ही लेंगे ना तो भी ठीक है। अब सारे डायग्राम एक साथ देखो, और सारे डायग्राम एक साथ देखने के बाद बताना कि जो मेरा फोकस है वो पोल के लेफ्ट साइड है कि राइट साइड। बड़े ध्यान से देखना, जो मेरा फोकस है वो पोल के लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे, पक्का चेक कर लो। चलो, क्योंकि तुम बोल रहे हो इसे तुम्हारी बात पर विश्वास कर क्या कर रही हूं मैं, ये मान रही हूं कि पोल जो फोकस जो है वो पोल के कौन से साइड पे है। और क्योंकि ये पोल जो है, क्योंकि जो फोकस है ये पोल के क्या है, लेफ्ट साइड पे है, तो मेरी जो फोकल लेंथ होगी वो सारे केसेस में क्या रहेगी, नेगेटिव 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 नेगेटिव। ये जो पूरी कहानी मैंने लिखी है ये किसके लिए लिखी है, क्या कंकेव मिरर में यू भी नेगेटिव सारे केसेस में, वी भी 5 केसेस में नेगेटिव, और एफ सारे केसेस में नेगेटिव, हाँ कि नहीं? यानी कि ये कह दे कॉनकेव मिरर में यू वी एफ सब नेगेटिव होता है। एक्सेप्ट एक्सेप्ट वी इज पॉजिटिव व्हेन यू इज लेस देन एफ। V is positive when u is less than f। इस बात का मतलब क्या हुआ कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, बिटवीन पोल एंड फोकस। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? तो बेटा कन्वेक्स मिरर के लिए हम लोग यही डायग्राम बनाए थे कल, तो क्या कन्वेक्स मिरर का डायग्राम सभी को दिख रहा है? ये रहा हमारा कन्वेक्स मिरर का डायग्राम, क्या सभी को दिखा? ठीक कन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखो, इमेज हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड ही बनती है। ओके, अब जरा ध्यान से देखो कन्वेक्स मिरर का डायग्राम। जब तुम कन्वेक्स मिरर का डायग्राम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, पोल के लेफ्ट साइड पे कि पोल के राइट साइड पे। ऑब्जेक्ट तो पोल के लेफ्ट साइड पे रखा हुआ है, यहाँ ये देखो पिंक मार्कर दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर जब हम लोग यू की वैल्यू लिखेंगे तो यू तो क्या होगा हमारा, नेगेटिव। देखो जरा इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ देखो पिंक कलर का मार्कर, ठीक है, मिरर के बिहाइंड बन रही है, पोल के राइट साइड पे बन रही है, यानी कि यहाँ वी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रखा है हमने? ऊपर क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है, तो एच ओ भी क्या होगा, पॉजिटिव। जरा इमेज चेक करके बताओ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है कि नीचे, तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पर बस यू नेगेटिव रहेगा। जरा फोकस देखो राइट साइड पे पोल के कि लेफ्ट साइड पे, राइट नहीं लेफ्ट, ये वाला करेक्ट फोकस है इमेज बन क्योंकि ये तो हमने हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से बनाया है। फोकस हमेशा जस्ट साइड पे मिरर का कर्व होता है ना, उधर ही होता है। तो फोकस कहाँ पर है, पोल के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? रही। तो फोकल लेंथ क्या होगी इसकी, पॉजिटिव। यानी कि कन्वेक्स मिरर में सब कुछ पॉजिटिव होता है एक्सेप्ट फॉर यू। कन्वेक्स मिरर में सब कुछ पॉजिटिव होता है एक्सेप्ट फॉर, आया क्या समझ में? बस यही याद रखना, क्योंकि कॉन्वेक्स में ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखो, इमेज हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। इज इट क्लियर? जरा इसको फटाफट से छाप लो। लैंडस्केप